IBN9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 10 अगस्त 2024, जावरा कंपाउंड स्थित भाजपा कार्यालय पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर नगर अध्यक्ष श्री गौरव रणदिवे ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्री रणदिवे ने कहा कि मां प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा हमारी पहचान है और हर भारतवासी का गौरव है। इसे देखकर हर देशवासी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाती है। इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री वीडी शर्मा जी के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रयास रहेगा कि नगर के 1 लाख से अधिक परिवारों तक तिरंगा ध्वज पहुंचे और उसे हर घर पर फहराया जाए। लगभग 1 सप्ताह का यह अभियान 11 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलेगा। अभियान में सरकार, समाज के साथ पार्टी संगठन की भूमिका होगी। समाज का हर वर्ग इस अभियान में सहभागिता करे, इसकी चिंता पार्टी कार्यकर्ता करेंगे। श्री रणदिवे ने आगे कहा कि हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत तिरंगा यात्राओं और महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण के साथ होगी। युवा मोर्चा द्वारा 11, 12 व 13 अगस्त को नगर की प्रत्येक विधानसभा में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। 12, 13, 14 अगस्त को स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस अभियान के दौरान 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाएगा। देश के विभाजन की विभीषिका में करीब 1.5 करोड़ परिवार विस्थापित हुए, लगभग 6 लाख लोग मारे गए, 1 लाख से अधिक महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं हुईं, लेकिन ये काला अध्याय अधिकांश युवाओं की जानकारी में नहीं है। विभाजन की त्रासदी से देशवासियों को अवगत कराने तथा इसके लिए जिम्मेदार विघटनकारी ताकतों के प्रति देश को सतर्क करने के उद्देश्य से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस पर प्रदर्शनियों, गोष्ठियों तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर घर तिरंगा अभियान को सभी बूथों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश स्तर से लेकर जिला और मंडल स्तर तक समितियों का गठन किया गया है। इसके साथ ही इस आयोजन को ऐतिहासिक एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। श्री रणदिवे ने आगे कहा कि इस अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ साथ पार्टी के सांसद, विधायक, महापौर एवं समस्त जनप्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अभियान के लिए पर्याप्त मात्रा में तिरंगे ध्वज उपलब्ध हो सकें, इसकी योजना बनाई जा रही है और आवश्यक होने पर इसके लिए स्वसहायता समूह की बहनों का सहयोग भी लिया जाएगा। साथ ही घर घर जाकर तिरंगा वितरण के अलावा विधानसभा एवं वार्डों में स्टाल लगाकर भी तिरंगे वितरित किए जाएंगे। हर घर तिरंगा अभियान भारत के स्वाभिमान एवं देश की शान तिरंगे को हर घर फहराने की राष्ट्र प्रेम की उस भावना को जागृत करने के इस अभियान में पार्टी ही नहीं बल्कि समाज, देश, प्रदेश सहित इंदौर महानगर की जनता की सहभागिता को भी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री चिंटू वर्मा, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री दीपक जैन, मीडिया प्रभारी श्री रितेश तिवारी एवं सह मीडिया प्रभारी नितिन द्विवेदी उपस्थित रहे। पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में और हमारे यशस्वी अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में अभियान चल रहा है। प्रत्येक घर में तिरंगा फहराया जाए, उससे पहले प्रत्येक प्रमुख स्थानों पे तिरंगा यात्रा निकले, सभी हमारे महापुरुषों के स्थलों पे, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के स्थलों पे साज सज्जा हो और साथ ही साथ समाज को उसमें जोड़ते हुए एक आज जो हमारा स्वतंत्रता का ये जो वर्ष है
78वां वर्ष है, इसको लेके सभी लोग उसमें जुड़े और सब लोगों की उसमें सहभागी हो, इस तरह की योजना बना के हमें हर घर तिरंगा अभियान को चला रहे हैं। सर, 3 दिवसीय आयोजन भी कल से शुरू हो रहे हैं, उसमें क्या कुछ खास होगा? 11, 12, 13 तारीख को मुख्य रूप से 11 से लेकर 15 तक ये अभियान चलेगा। 11, 12, 13 तारीख को युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ता प्रत्येक विधानसभाओं में विशाल तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं। उसके बाद में 12, 13, 14 तारीख को हम सभी महापुरुषों के और स्वतंत्रता सेनानियों के स्थलों पे साज सज्जा करने वाले हैं, उसमें हमारे सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर सभी कार्यकर्ता रहने वाले हैं। और साथ साथ हम तिरंगा वितरण के केंद्र भी बनाने वाले हैं, जिससे समाज के सभी वर्गों तक तिरंगा पहुंच सके, चाहे वो बस्ती का हमारा क्षेत्र हो, चाहे वो मजोला हमारा घरों में रहने वाले लोग हों, या चाहे वो एलाइट कॉलोनी में मल्टी स्टोरीज में रहने वाले लोग हों, सभी को हम तिरंगा पहुंचा सके इसकी भी योजना बना रहे हैं। और ऐसा एक लक्ष्य लिया है कि इंदौर में लगभग 1 लाख से ऊपर घरों में तिरंगा लगाने का काम और सबको उस अभियान में जोड़ते हुए हम इस अभियान को सफल बना सकें। प्रभात झा के निधन से बीजेपी के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति है, आज श्रद्धा निश्चित तौर पे हम सबके प्रेरणा के स्रोत, और मेरा तो उनसे एक अपना निजी लगाव भी रहा है। प्रभात जी को जब हम सब याद करते हैं तो हम सब कार्यकर्ता भाव विभोर हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत संगठक जिनके नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता जो उनसे मिलता था या महसूस करता था कि प्रभात जी अपने पूरी बातों को सुन के संगठन का जो एक जिसको कह सकते हैं कि संगठनकर्ता कैसा होना चाहिए, तो आज हम हमारे सबके नेता सद्य प्रभात जी के श्री चरणों में आज हमने श्रद्धांजलि सभा रखी है। आप सबको भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसमें जरूर